उत्तराखंड से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने पुरुष बनकर दो महिलाओं से शादी रचा ली। दोनों महिलाओं के साथ 3 साल तक मियां बीवी की तरह रही। मजेदार बात तो ये है कि दोनों महिलाओं को भनक तक नहीं लगी कि उनके साथ पति के रूप में कोई महिला रह रही है। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई बनावट के उसूलों से छिप नहीं सकती। यहाँ भी ऐसा ही हुआ और पुरुष बनी महिला का भंडाफोड़ हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी के बिजनौर के धामपुर की रहने वाली स्वीटी उर्फ कृष्णा सेन ने साल 2013 में फेसबुक के जरिए एक लड़की से दोस्ती कर ली। कुछ दिन बाद काठ गोदाम की रहने वाली उस लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसने शादी कर ली। दोनों हल्द्वानी में किराए के एक मकान में रहने लगे, लेकिन शादी के बाद से ही दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। पहली शादी के करीब 3 साल बाद कृष्णा सेन ने एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। दोनों बीवियों को एक साथ ही घर में रखने लगा। इसके कुछ दिन बाद पहली पत्नी ने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने तलाशी के बाद आरोपी पति को हिरासत में लिया। जेल में पूछताछ के दौरान जो राज खुला, सभी भौंचक्के रह गए। आरोपी कृष्णा सेन ने पुलिस को बताया कि वो महिला है, ऐसे में वो किसी महिला से कैसे शादी कर सकता है। इसके बाद पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच कराई तो इस बात की पुष्टि हो गई कि वो कोई पुरुष नहीं बल्कि महिला है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।